तो लॉकअप लॉकअप फाइनली खत्म हो रहा है लेकिन जब तक को कह दियोग को सॉरी एक्स को कह दियोग को सॉरी सॉरी नॉट फाइनली कह दियोग को रोस्ट ना किया जाए तब तक मुझे नहीं लगता ये शो खत्म हो सकता है और लॉकअप लॉकअप की एक चीज आपने देखी ये डेली से काफी सिमिलर था लगा आपको क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने इस शो को कहानी घर घर की की तरह खेला वो सब यहाँ है और जिन्होंने कसौटी जिंदगी की तरह खेला वो यहाँ है और और साथ में मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि देखो डेली सोप्स में हम माँ बहन की इज्जत करना सिखाते और लॉकअप में हम दोनों को एक करते और माँ बहन एक करने से याद आया माय डियर सिस्टर पूनम पूनम के लिए एक बार जोरदार तालियां पूनम पूनम लॉकअप का पूरा सीजन दो चीजों का वजन उठा के चलती रही वो है गुस्सा और दूसरा खूबसूरती और जब खूबसूरती की बात चली है तो पायल की दोस्त आजमा क्या तो पायल की दोस्त आजमा की बात करेंगे आजमा खाला सॉरी आजमा फला इतनी क्यूट है ये कितनी खूबसूरत और इतनी क्यूट है और ये पूरा सीरियल वाला मटेरियल है इस पर सीरियल बनना चाहिए वो कहा ना छोटी बहू नहीं बहुत छोटी बहू लेकिन उसमें उसको रोल मिलना चाहिए सास का इसको क्या आंटी आपने जो क्या खा के पैदा करा है इसके अंदर इन बिल्ड हैं ऑलरेडी एक सीरियल में वैम की जरूरत होती है तो बिल्कुल वैम के लिए परफेक्ट आजमा की फ्रेंड पायल 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 बहुत मस्त है पायल नींबू फ्रिज में नहीं रखती अलमारी में रखती है और और एक चीज पायल के बारे में खास है पायल हमेशा कहते रहती है कि मैं बाहर जाके अपना ट्विटर अकाउंट एक्टिव करूंगी जैसे इलोन लो ने सुना खरीद लिया बोले तेरे को नहीं दे रहा एक्टिव और पायल हमेशा बोलती है कि मुन्वर फारूकी मेरा इतना बड़ा फैन है नहीं सच में मैं पायल का सच में आज मैं कन्फेस करना चाहता हूँ मैं पायल का बहुत बड़ा फैन हूँ मैंने पायल के सारे वीडियोज देखे उन सारे वीडियोज में मतलब बहुत मस्त वीडियोज है बट सारे वीडियोज में सिर्फ एक गलती कर देती है पायल वो है अपलोड अपलोड नहीं करना चाहिए और जब हम बात करी रहे अपलोड क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि फिल्टर होना चाहिए वीडियो में अंजलि के वीडियोस देखो इतना फिल्टर लगाती हो आज मेकअप आर्टिस्ट ने उसको बोला कैसा मेकअप चाहिए तो सोशल मीडिया के फिल्टर के नाम दे रही है लेकिन आज अंजलि के फैंस के लिए स्पेशल डे नहीं ट्रॉफी नहीं आज फाइनली उन लोग अंजलि को 3 30 सेकंड से ज्यादा परफॉर्म करते देख पाएंगे और देख चुके तीस सेकंड से ज्यादा फाइनली विदाउट फ़िल्टर्स आ और बात अगर चली रही है आगे बढ़ ही रही है तो हम बात करेंगे एक ऐसे डीजे की जिसकी सब ने बजाई हमारे डीजे अली के डीजे अली के हैशटैग अभी भी हमारी बैड एस जेल की दीवारों पे है हैशटैग तबाही हैशटैग कड़क हमें लगा गेम की बात कर रहा है लेकिन अब इतनी बातें हो ही चुकी है तो विनीत भाई लास्ट बट लीस्ट ऑल्सो विनीत भाई ने अभी कहा सरप्राइज पसंद है तो मैंने बोला आपको दे देते सरप्राइज हो जाएगा सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूंगा दैट्स डिसअपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो विनीत भाई जैसे हमारा एक एक्टिविटी थी उस पर पता चला विनीत भाई ट्विटर पे धमाल कर रहे अपने ओपिनियंस डाल रहे अपनी बातें डाल रहे एकदम ह्यूमर वे में तो विनीत भाई का हमको एक स्क्रीन पे पोस्ट दिखाया गया था जिसमें विनीत भाई ने लिखा था कि अगर लॉकअप जू है तो उसमें एक स्लॉथ है जो खुद को टाइगर समझता है वो है मुनवर फारूकी <laughs> तो मेरे पास एक काउंटर जोक है तो विनीत भाई अगर लॉकअप जू है तो आप कोई जानवर नहीं हो क्योंकि आपको देखने का कोई टिकट नहीं खरीदेगा और अब बात इतनी बढ़ी गई है आगे तो पहुंच जाते होस तक रेडी हो तो हमारे शो की होस पे जोक शो के बाद सी यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग माय नेम इज फारूकी